वो भी कुकिंग करते हैं? अरे वो शेफ है। आई डोंट नो दैट। अच्छा जी, यकीन मैंने आपसे कहा था ना एक और खाने की चीज निकलेगी, सूजी, जो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ मेहमान आ जाए तो ये सब चने, वाइट चने हो गए या ये हो गए, और सूजी ये जरूर हमारी यहाँ रहती, मतलब महीने के सौदे में कुछ आए ना सूजी जरूर आता है। सूजी का हलवा, हाँ, बच्चे का किसी भी वक्त सूजी का हलवा बन सकता है, और सूजी का हलवा भी इतना झटपट अम्मी बना देती है कि मैं हैरान हूँ। और उसका इतना सिंपल उन्होंने हमें तरीका सिखाया हुआ है कि अगर एक कप, जिस कप से तुमने सूजी ली है उसी कप से तुमने चीनी को मेजर करना है, उसी कप से तुमने पानी को मेजर करना है, ये नहीं होगा कि आप अलग से वो डाल दें। तो इतना हम सब कर लेते, सूजी भूनी जल्दी जल्दी साइड पे करी, एक कप पानी डाला, उतनी चीनी डाली, उसका हल्का सा शीरा बनाया, सूजी डाली, डम 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 डम, और तैयार हो गया। और सूजी भूनने से पहले आपने इलायची से या लौंग से, अम्मी लौंग से क्योंकि भगाड़ती थी सूजी को तो उसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है, तो ये ज़रूर जब मेहमान आए तो हमारे यहाँ वो जो ट्रे सजती है तो उसमें ये ज़रूर सूजी का, तो ये भी हमने अपनी वालदा से सीखा। तो अभी तक मेरे घर में भी मैं खाऊं, लेकिन मीरब के लिए जो है वो सूजी डेली बनती है, तो वो लेकिन अम्मी ने कितना अच्छा मेजर करने का तरीका बताया कि एक ही कप 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 पानी भी उतना चीनी भी और अगर आप देखें आप सूजी और बेसन कर रहे हैं तो एक कप सूजी ले लिया, एक कप बेसन ले लिया, फिर उसने ही दो कप आपने चीनी लिया और दो कप आपने पानी डाला, सेम कभी भी आपका जो हलवा ना नरम होगा ना को जो वो जैसा होना चाहिए वैसे ही हलवा बनता है। तो ये एक इसी तरह अम्मी ने चावलों का सिखाया था कि चावल अगर तुमने दो कप लिए हैं तो चार कप पानी होना चाहिए, लाओ बना रही हो डबल डबल चार कप पानी होना चाहिए, मतलब जो जिस गिलास से मेजर किया उसी गिलास से, ये नहीं कि इतने से गिलास से लिया और इतने बड़े गिलास से पानी को मेजर कर लिया, तो जिस गिलास से तुमने चावल लिए बेटा उसी ग्लास से चार कप पानी डालो। हर घर के अपने अपने इस तरह के रूल्स होते हैं, ये तो चीज अच्छे है ना। ये भी तो मुझे लगता है कि जो अम्माएं होती हैं वो भी बड़ी साइंटिस्ट से कम नहीं होती। जैसे तुम कह रही हो ना तुम्हारी अम्मा ने तजुर्बा कर तो वो वाली चीज है, वो गिनी पिग होती है हमारी जिंदगी की। कि मेरे साथ ही हुआ, मेरी बहन के साथ हमें सिखाया नहीं है तो हम देखते थे ना, देख के भी कह रही हूं। जैसे मैं सूजी का बनाती हूं तो मैं जरा सूजी कभी-कभी कड़क वाली बनाती हूं, ये भी हमारी कड़क में आप पानी की क्वांटिटी उस तरह करते हैं कि जैसे आपने घी गरम करके इलायची डाल के भूना, फिर उसमें सूजी को फुल भूना, फिर चीनी को भूना, जब खुशबू निकलने लगती है फिर पानी हल्का हल्का डाल के वो कड़क सूजी बनाने के लिए वो तो ज्यादा नहीं पानी डाल, वो तो गट्टी वाला हलवा से कहते हैं, वो तो सूजी वाली हम खाते हैं, जैसे वो आपकी होती है ना बिल्कुल आपने चमचे से खानी है ड्राई ड्राई वाली, तो मेरे घर में सबको वो ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उसके हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।